सो फाइनली गाइस, जिस चीज़ का मैं इंतज़ार था वो यहाँ पे आ चुकी है। मैं आपको दिखा दूँ, MIUI वर्जन 14 है। और अगर मैं डिटेल इन्फो की बात करूँ यहाँ, तो यहाँ पे हमें एंड्रॉयड वर्जन 13 मिलता है। सिक्योरिटी पैच हमें जनवरी 2023 का मिलता है और कर्नल यहाँ पे निजीका का यूज़ किया हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे MIUI 14 बाई ZenOP, ये यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन 13 मिलता है। और यहाँ पे कुछ हमें मिलता है प्लस पॉइंट और कुछ मिलता है नेगेटिव पॉइंट। तो हम दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा आपको ये रोम यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो हेलो एंड वेलकम गाइज, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक इन निक। तो मैं सबसे पहले मैं बात बता दूं, यहाँ पे हमारा डिवाइस बिल्कुल प्ले स्टोर सर्टिफाइड है, DRM Info Wide 1 L1 काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैं कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्ले स्टोर सर्टिफिकेशन की, तो वो भी यहाँ पे अच्छी तरह से काम कर रहा है। ये देखिए प्ले स्टोर सर्टिफिकेशन में डिवाइस सर्टिफाइड दिखा रहा है। रूट चेकर की बात करूँ तो यहाँ पे रूटेड नहीं है मेरा डिवाइस। ये सीन कुछ रूट चेकर का है, यहाँ पे रूट इंस्टॉल नहीं है। CPU थ्रोटिंग टेस्ट ये है इसका, और 3D बेंचमार्क्स ये थे वाइल्ड लाइफ के। सो काफ़ी मुझे पसंद आया ये चीज़ें और इम्प्रेसिव था। हाँ, रोम बिल्कुल स्मूथ है, बहुत बढ़िया तरीके से वर्किंग में है। जो बगी सिस्टम है वो कुछ चीज़ों का है, जैसे कि यहाँ पे गूगल की कोई भी आपको एप्लीकेशन नहीं मिलती है, कि आप गूगल की सेटिंग जो भी है वो नहीं कर पाओगे इसके अंदर, जो अकाउंट सेटिंग होती है वो नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो मेजर इश्यू मतलब लगा मुझे, जैसे मैं यहाँ पे विद ऐप ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक छोटा सा वो इश्यू देखने को मिलता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए गाइस, छोटे छोटे कॉर्नर आपको दिख रहे होंगे कोने में, और यहाँ भी ये छोटे छोटे कॉर्नर में कॉर्नर आपको माइनर से बिल्कुल दिख रहे होंगे शायद, ये माइनर से हैं बिल्कुल। ग्रीन शेड यहाँ पे है और ग्रीन शेड यहाँ पे है, ये आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा है चिन, और यहाँ भी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये छोटे से माइनर इशू हैं। यहाँ पे बात करूँ कैमरे को लेके, तो कैमरा यहाँ पे बिल्कुल ही आपको बेसिक दिया हुआ है, उसमें कोई भी ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। वीडियो की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 1080p और 60 FPS तक का सपोर्ट देखने को मिलेगा। कोई भी आपको एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पे कैमरे में नहीं मिलता है, तो ये मुझे एक छोटा सा माइनस पॉइंट लगा। उसके बाद मैं बात करूँ प्लस पॉइंट की, तो यहाँ पे सिक्योरिटी ऐप इसकी मोडेड है, प्लस थीम एप्लीकेशन इसकी मोडेड है। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे किसी आइकन को चेंज करने की, जैसे मैंने सिक्योरिटी का आइकन है, या अगर मैं इसको चेंज करने की बात करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे अनलॉक्ड मिलते हैं। जो भी सारे एनिमेशन हैं, ये आइकन जो हैं वो अनलॉक मिलते हैं। अगर मैं ये वाला यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं इसको डाउनलोड करके और यूज़ कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आइकन चेंज हो चुका है सिक्योरिटी का, तो ये भी यहाँ पे अनलॉक्ड है, और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया। तो गाइज, रोम में मुझे कुछ ज़्यादा मेजर इशू नहीं लगा। वाईफाई को लेके कोई इशू नहीं है, कॉलिंग को लेके कोई इशू नहीं है, स्मूथनेस को लेके कोई इशू नहीं है, ऐप ओपनिंग और ऐप क्लोजिंग को लेके कोई इशू नहीं है। रैम मैनेजमेंट इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। गेमिंग मोड आपको बिल्कुल यहाँ पे ओरिजिनल मिलने वाला है। तो चलिए एक बार गेम का छोटा सा क्लिप देख लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं। उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे एडिशनल जो हमें फीचर्स मिलते हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पे हमें जो फीचर मिलता है सबसे बढ़िया, वो मिलता है फ्रंट कैमरा असिस्टेंट का, वो यहाँ पे हमें मिल चुका है। ये MIUI 14 का फीचर है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम भी कर रहा है। आप ये वाली वीडियो देख सकते हो i10 में, आपको मिल जाएगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं हमें। टैपलेस का जो फीचर है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, हम किसी भी टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, और मैं उसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ कहीं भी। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा अपनी मर्जी से, इसको सेलेक्ट कर सकता हूं और यहां पे इसको ऑब्जेक्ट या फिर कॉपी कर सकता हूं। ये सारा टेक्स्ट आ गया है, जो भी उसके ऊपर लिखा हुआ था वो सब आ चुका है। सेलेक्ट ऑल करके मैं इसको कॉपी पेस्ट कहीं भी कर सकता हूं, तो मुझे कहीं से भी कॉपी पेस्ट करने की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये फीचर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। बात करूँ यहाँ पे मेमोरी एक्सटेंशन को लेके, तो अप टू 5 GB तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे बैटरी को लेके, तो बैटरी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है गाइज। मैं बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं करूँगा और ज़्यादा बुरी भी नहीं कहूँगा। हाँ, बैटरी ठीक ठाक है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम भी कर रही है, चार्जिंग भी बढ़िया तरीके से काम कर रही है, ऑप्टिमाइज चार्जिंग है। और यहाँ पे
आपको ऑफलाइन बैटरी नहीं मिलेगी। सो ऑफलाइन बैटरी चार्जिंग यहाँ पे नहीं है, उसका छोटा सा इशू रहेगा। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे वॉलपेपर को लेके, तो वॉलपेपर यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके के दिए हुए हैं। ये वॉलपेपर हमें मिले हुए हैं, जो ज़्यादा तो कुछ खास तो है नहीं, बाकी अगर आप चाहो तो कहीं से भी डाउनलोड करके लगा सकते हो। उसके बाद हम बात करें फिंगरप्रिंट के, तो यहाँ पे दो एनिमेशन यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, एक ये वाला एनिमेशन है और एक ये वाला एनिमेशन है। ये दो यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद भी आए। ऑल ओवर मुझे रोम काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और स्मूथ भी लगी मुझे। बैटरी के मामले में इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है, थोड़ी सी बुरी हो सकती है बट इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं है। तो मुझे बेसिकली जो फीचर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगे और मैं इस रोम को डेली यूज़ करता भी हूँ। सो रोम ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा स्मूथ लगी, अच्छी लगी। हाँ, इसका कोई वर्जन 2 आएगा, इसके थोड़े से जो बग है ना उनको क्लियर करने के लिए तो हम आपको बता देंगे। बाकी इसका जो फुल चेंज लॉग है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ चेकआउट एंड डू सब्सक्राइब फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद जय भारत।